नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगसीर और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास भी है डेस्कटॉप या लैपटॉप और आप उस पर डाउनलोड करना चाहते हैं WhatsApp और बार बार लॉगिन करने के झंझट से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में नेट ऑन कीजिए और क्रोम को चालू कर लीजिए और यहाँ लिखोगे व्हाट्सएप वेब। अगले पेज में जो पहला ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप वेब वाला, उसे क्लिक कर देंगे। और अब गूगल क्रोम के राइट साइड ऊपर तीन डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, इन तीन डॉट पे क्लिक कर देना है। मोर टूल्स में जाना है, मोर टूल्स के बाद क्रिएट शॉर्टकट पे जाना है। व्हाट्सएप का क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, याद रखना ओपन एज ए विंडो, इस चेकबॉक्स को साइन करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्रोम बंद कर देना है, क्रोम को चालू नहीं करना, व्हाट्सएप की एक अलग से विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैं इसको बंद करके दोबारा से चलाना चाहता हूं आपको दिखाने के लिए। देखो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये व्हाट्सएप का शॉर्टकट बन गया है, हम इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्सेस करेंगे। दोस्तों मैं एंड्रॉयड के स्क्रीन पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और व्हाट्सएप के ऊपर राइट साइड तीन बिंदु पे क्लिक करूँगा, लिंक डिवाइस पे क्लिक करूँगा, लिंक आ डिवाइस पे क्लिक करूँगा और QR कोड को स्कैन करूँगा। देखिए ये आपके PC पे लॉगिन हो गया है। चलिए दोस्तों ले चलता हूँ आपको अपने PC की स्क्रीन पर। यहाँ पे WhatsApp का शॉर्ट आइकन जो बना है उस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा और दोस्तों देखो WhatsApp की जो विंडो है वो धीरे धीरे लोड होना शुरू हो गई। हाँ, अब एक बार आपने लॉगिन कर लिया, बार बार आपको QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से सीधे आप अपना WhatsApp अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।